हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं आप सब ठीक होंगे। आज मैं आपको बताने वाला हूं IBPS RRB क्लर्क के बारे में। इसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूं कि कौन सी शिफ्ट जो है इजी थी, कौन सी शिफ्ट टफ थी, कौन सी शिफ्ट मॉडरेट थी। ये मैं आपको कुछ फैक्ट बताऊंगा इसके अंदर, तो आप खुद ही एनालाइज कर सकते हैं कि आपकी जो कट ऑफ है वो क्या जा सकती है। कट ऑफ बताने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि टोटल वैकेंसी जो थी इसके अंदर वो 6888 वैकेंसी थी, और जो इसके अंदर आपके फॉर्म फिल हुए थे RRB की तरफ से, और RRB जो है मेंस के लिए 10 टाइम्स कैंडिडेट को अपीयर करेगा, यानी कि 6880 इतने कैंडिडेट, यानी कि 68880 कैंडिडेट आपके मेंस के लिए जाएंगे। और अगर मैं बात करता हूँ फॉर्म फिल कितने हुए थे इसके अंदर, तो अप्रोक्स 10 लाख फॉर्म इसके अंदर फिल हुए थे। 10 लाख फॉर्म के अंदर से अगर मैं मान लूँ तो इसकी अटेंडेंस जो है वो 60-70% गई थी। ये बहुत ज़्यादा अटेंडेंस है, इससे कमी गई होगी, क्योंकि कभी भी किसी एग्ज़ाम की 100% अटेंडेंस नहीं रहती। तो हम मान के चलते हैं कि 7 लाख कैंडिडेट ने जो है इस एग्ज़ाम को दिया था। 7 लाख के अकॉर्डिंग आपके जो कैंडिडेट हैं वो मेंस के लिए अपीयर होंगे 68880। तो इससे हम पता लगा सकते हैं कि एक सीट पर सीट पर जो कंपटीशन है वो कितना है। तो इसके अंदर हम देख सकते हैं कि 7 लाख को 68880 यानी कि 68800 से अगर हम भाग करते हैं तो आपका 10 point something आएगा, यानी कि पर सीट पर मेंस के लिए जो कंपटीशन है वो 10 बच्चों का, यानी कि एक सीट पर 10 कैंडिडेट जो हैं फाइट करेंगे। या देख सकते हैं 1 सीट पर जो है, यानी कि 1:10 का रेशो इसके अंदर बन रहा है। अगर मैं बात करता हूँ कि आपकी शिफ्ट मॉडरेट थी, इजी थी या टफ थी, तो उसके लिए ये आप देखो, मैं बता देता हूँ कुछ फैक्ट। अगर आपकी शिफ्ट में स्लोलीज्म आए हैं, डायरेक्शन आया है, ब्लड रिलेशन आया है, और इन सब का जो लेवल था वो सिंपल है। सिंपल का मतलब स्लोलीज्म के अंदर आपके अंदर ओनली फ्यू नहीं आए, सिर्फ सिंपल स्लोलीज्म आए हैं। डायरेक्शन का सवाल अगर आपके एग्ज़ाम में आया है, ब्लड रिलेशन का जो सवाल है वो आप इजी बना सकते हैं, इजीली थिंक कर सकते हैं, उसमें ज़्यादा कुछ कंपटीशन नहीं था। अगर मैं मैथ की बात करूँ तो क्वाड्रेटिक अगर किसी के एग्ज़ाम में आई है, और मिसिंग सीरीज अगर किसी एग्ज़ाम में आई है, ये पांचों चीज़ अगर किसी के एग्ज़ाम में आई है तो वो शिफ्ट जो है वो इजी शिफ्ट मानी जाएगी, क्योंकि इसके अंदर टाइम ज़्यादा नहीं लगता। देख सकते हैं आप फिर से, सिरोलिज्म, डायरेक्शन, ब्लड रिलेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन और मिसिंग सीरीज। अब मैं बात करता हूं कि इस शिफ्ट से थोड़ा सा जो मॉडरेट होगा, मॉडरेट का मतलब है कि इस जो मॉडरेट शिफ्ट होगी इजी शिफ्ट से, उसके अंदर जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं आया होगा, डायरेक्शन नहीं आया होगा, और मिसिंग सीरीज की जगह जो है उन्होंने रॉन्ग सीरीज दे दी होगी। रॉन्ग सीरीज और कैसलेट के बारे में अगर मैं बात करूं तो बहुत से कैंडिडेट होते हैं रॉन्ग सीरीज और कैसलेट को छोड़ देते हैं, क्योंकि रॉन्ग सीरीज के अंदर जो है पैटर्न, पूरा पैटर्न आपको पता होगा तभी आप रॉन्ग फाइंड कर पाएंगे। लेकिन मिसिंग सीरीज में ऐसा नहीं है, मिसिंग सीरीज में आपको वहीं तक पैटर्न पता होना चाहिए जहां पर मिसिंग नंबर है, उससे आगे की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। और अगर किसी की शिफ्ट में कैसलेट आया है तो वो जो मैंने पहली शिफ्ट बताई थी इसके अंदर 5 चीज़ें आई हैं और क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जगह उन्होंने कैसलेट डाल दिया, तो वो हल्की सी शिफ्ट जो है वो मॉडरेट की साइड चली जाती है, तो उस शिफ्ट को हम मॉडरेट शिफ्ट कह सकते हैं। मॉडरेट शिफ्ट का जो नॉर्मलाइजेशन होगा वो 1-2 नंबर ज़्यादा होगा, और आपकी जो कट ऑफ, अगर मैं ओवरऑल कट ऑफ की बात करता हूँ तो 70+ कट ऑफ आपकी जा सकती है UR के लिए। 70-80 आपकी किसी भी स्टेट में जा सकती है, क्योंकि बहुत से स्टेटों में वैकेंसी बहुत कम है, तो 80 भी जा सकती है।
70 से कम यूआर की कट ऑफ जाने का कोई भी चांस नहीं है, ये आप सोच और समझ लीजिए। अगर आपके 70 प्लस या 70 अटैम्प्ट हैं विद हाई एक्यूरेसी, तो आपके एक दो नंबर उसके अंदर इंक्रीज होंगे, तो आपका सिलेक्शन हो सकता है मेंस के लिए। अगर आपके इससे कम अटैम्प्ट्स हैं और आपकी एक्यूरेसी 100% है, अगर आपके इससे 70 से 2 या 3 नंबर या अटैम्प्ट्स कम हैं, यानी कि आपके 67 अटैम्प्ट हैं या 68 अटैम्प्ट हैं, तो भी आप मेंस के लिए अपीयर हो सकते हैं अगर आपकी एक्यूरेसी जो है वो अच्छी है। मैंने आपको समझा दिया है कि आपकी शिफ्ट मॉडरेट थी या इजी थी, उसके बेसिस पे आपको पता है कि आपकी शिफ्ट के अंदर कौन कौन से सवाल आए थे, क्योंकि बहुत सी शिफ्ट जो लास्ट में हुई है 14 तारीख के 4थी और 5वीं जो शिफ्ट थी, उनके अंदर जो है डायरेक्शन का और क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिसिंग सीरीज नहीं दी गई थी, तो वो जो शिफ्ट हैं वो हल्की सी मॉडरेट की तरफ चली जाती हैं। और जो फर्स्ट शिफ्ट थी, यानी कि 7 अगस्त को जो बैच हुआ था या 8 अगस्त को जो पेपर कंडक्ट हुए थे, उनके अंदर जो है मिसिंग सीरीज आई थी, कैसलेट नहीं आया था और डायरेक्शन के सवाल आए थे, तो वो शिफ्ट जो हैं ईजी शिफ्ट हैं, तो उनके मुकाबले जो बाद में शिफ्ट हुई हैं उनको नॉर्मलाइजेशन 1 या 2 नंबर ज़्यादा मिल सकता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू।